धीरे धीरे तराश कर बच्चों को काबिल बनाया जाता था, वहां मास प्रोडक्शन लग गई है, अलग अलग फैक्ट्री में रेस लगी हुई है। कोई अपने वर्कर्स को बेस्ट बता रहा है, कोई अपनी टेक्नोलॉजी, तो कोई अपना मटेरियल। बता बता के शोर मचा रखा है, मेरा यहाँ पढ़ना पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। एक सब कुछ मैकेनिकल सा हो गया है। एक टीचिंग के पीछे जो वो ऑनेस्ट फीलिंग थी कि बच्चा कुछ आज हमसे सीखा है, वो जो खुशी थी, सब ये फैक्ट्री के धुएं में धुंधली सी होती जा रही है। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा पापा। एमर्स में भी तुझे यही प्रॉब्लम फील हुई? एमर्स में नहीं फील हुई, क्योंकि एमर्स अभी नया है। आगे बढ़ के यहाँ भी यही होना है, क्योंकि कोटा के डीएनए में ही है। बट एवोल्यूशन कैन चेंज डीएनए। कल जयपुर में जब एजुकेशन इंडस्ट्री इवॉल्व होगी, तब वहां का भी डीएनए बदलेगा। वहां भी मास प्रोडक्शन शुरू होने लगेगा। वहां भी धीरे धीरे सब कुछ मैकेनिकल लगने लगेगा। यहां जैसे लोग वहां भी मिलेंगे, ऐसा ही माहौल होगा। तब क्या करोगी? देखो बेटा, तो चाहे कहीं भी चली जा, वेदर इट्स जयपुर, चेन्नई और हैदराबाद, तो इस माहौल से नहीं बच सकती। ऑल यू कैन डू इज तो खुद को इसके लिए तैयार कर सकती है, सो दैट लाइफ में चाहे जैसी भी कंडीशंस मिले, यू कैन हैंडल देम ग्रेसफुली। नहीं तो इस तरह यहां से वहां आखिर कब तक भागता रहेगा इंसान? कल सब थर्मो रिवाइज करके आएंगे, ठीक है? हाँ भैया। और यार, ये जो क्लासेस चल रही हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, गलती से भी मिस मत करना। वैभव। हाँ भैया। यार ये उदय का भी कवर करवा देना, उसका मिस नहीं होना चाहिए। जी भैया। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। वैभव, कब चलना है आज उदय जी से मिलने? कह रही उदय भी यार, अभी एक्सीडेंट कराना था क्या अपना? ऐसे इतना प्रेशर है यार। हाँ ना यार, सुन 5 बजे चल लेंगे, पर